हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुड शेफर्ड एजुकेशन सेंटर एंड आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल। टुडे वी कंडक्ट क्लास 7th। सब्जेक्ट आपका एसएसटी है। एसएसटी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जो है आपका फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के जो जो फंक्शन हैं उसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या फंक्शंस हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, सभी जानते हैं आपके 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज है। ओके, तो ये जो गवर्नमेंट, इस चैप्टर में आपका गवर्नमेंट और उसकी फंक्शन के बारे में बताया गया है कि क्या क्या उसके रूल्स है, क्या क्या तरीके हैं, कैसे क्या किया जाता है, इन सब को हम जानेंगे इस चैप्टर में। जैसे आपका यहाँ पर दिया गया पहला टॉपिक है आपका गवर्नर। ओके, तो लिखा है द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। जैसे कि आप सभी को मालूम है, पहली चीज़ तो आपकी जो गवर्नमेंट है वो किस किस तरीके की है। 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है। सेंट्रल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज। इस तरीके की आपकी जो गवर्नमेंट बनाई गई है, फिर उसके बाद उसके अंदर और भी कई सारे रूल्स बनाए गए हैं, कई सारी चीज़ें बनाई गई हैं कि उसके कुछ नियम कायदे कानून हैं। जैसे गवर्नमेंट है, आप जानते हैं, कोई जैसे हमारे पीएम जो बने हैं, जो भी बनता है वो 5 सालों के लिए नियुक्त किया जाता है। ओके, कि मतलब इसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है, आगे क्या क्या चीज़ें हैं, ये इस चैप्टर में बताया गया है कि जैसे कि पीएम बनना है, ठीक। ओके, तो उसके लिए आपको क्या क्या टर्म्स और कंडीशन होंगी उसकी, ये दिया गया है। मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उस तरीके के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे कि इधर देखिए, अ गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट इन इंडिया मस्ट, ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ओके, हैव कम्प्राइज द एज ऑफ 35 ईयर्स, एटलीस्ट उसकी जो एज है वो 35 ईयर्स की होनी चाहिए। बी मेंटली और फिज़िकली साउंड, यानी कि आप फिज़िकली मेंटली प्रिपेयर हो हर चीज़ के लिए, ताकि एक मैच्योर डिसीजन लेना पड़े तो आप ले सको, और आपको हर चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ेगा और एक्टिव होना होगा, और इसके कुछ जो टर्म्स और कंडीशन है उसे फॉलो करना होगा। अपने रूल्स और रेगुलेशन जो हमारी सरकार हमारे लिए नियुक्त करती वो बनते हैं, तब जाकर देश की जनता के द्वारा नियुक्ति किया जाता। हमारे प्रधानमंत्री किसने चुने, तो जैसे कि हम कॉमनर्स जो होते हैं, जो मतलब पब्लिक होती है, वो डिसाइड करती है कि देश का पीएम, देश का सीएम कौन नियुक्त होगा। बाकी अंदर डिसीजन जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ के लोग होते हैं वो लेते हैं, जैसे लोकसभा, विधानसभा, इनके अंदर आपके निर्णय देखे जाते हैं कि मतलब क्या है क्या नहीं। इस तरीके से इस सब चैप्टर में आपके बताया गया है। जैसे कि अगला है स्टेट लेजिस्लेचर। एवरी इंडियन स्टेट हैज़ इट्स टू ओन लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेटिव यूजली कंसिस्टेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट एंड वन हाउस। मतलब कि इसमें ये दिखाया गया है कि किन किन जैसे शहरों में 2-2 हाउस होते हैं। जैसे कि लिखा है आपका द अपर हाउस इज कॉल्ड अ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लोअर हाउस इज कॉल्ड अ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देयर आर 2 हाउसेस, कई कई शहरों में 2 हाउसेज है, यानी एक लोअर है एक अपर है। जैसे कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर, यहाँ पर आपके 2-2 क्या है वो हैं लेजिस्लेचर्स हैं। एक अपर में है, एक लोअर में है। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल इट कैन नॉट हैव मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब इसमें ये दर्शाया गया है कि आप कहाँ कितने मेंबर होते हैं, कितनी कितनी वहाँ की ज़रूरतें होती हैं, मतलब अंदर की डिटेलिंग दी गई है। जैसे बताया गया 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और के एंड इन लेस देन 40 मेंबर्स, बट टोटल मेंबरशिप वेरियस अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स कंसर्न, लाइक राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट बी डिसॉल्व। इस तरीके से बताया गया है कि कहाँ पे क्या क्या, मतलब कितनी सीटें होंगी, कितनी मेंबरशिप होती है, कितना आपको
अंदर रहना है, क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस है, क्या क्या चीज़ें हमें रूल्स फॉलो करनी है, तब जा कर के हम पॉलिटिक्स में जाकर ज्वाइन करते हैं और किस तरीके से हमारी सरकार हमारे लिए क्या क्या करती है ये सब इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। मेंबर ऑफ़ द टोटल मेंबर ऑफ़ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे MLA के आपने बारे में सुना होगा कि यहाँ पे दिया गया एन MLA इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक MLA, ओके, आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट थ्रू जनरल इलेक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ लाइफ 5 years। जो जनरल पीरियड MLA का होता है वो कितना होता है, 5 साल का होता है, जो कि पब्लिक के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अच्छा, उसके लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक हो, ही मस्ट बी अबव द एज ऑफ 25 years, ही मस्ट नॉट होल्ड एनी पोस्ट प्रॉफिट अंडर, ओके। इस तरीके के इसके पॉइंट्स दिए गए, इसे आप पढ़िएगा अच्छे से कि क्या क्या मतलब उसको रूल्स बनाए जाते हैं कि आपको इंडियन होना मस्ट, आपकी एज ग्रुप इतनी होनी चाहिए, मेंटली फिजिकली आप प्रिपेयर होने चाहिए और थोड़ा मैच्योर लेवल का सोचने वाला होना चाहिए, और किसी भी आपका मतलब कह लीजिए क्राइम में आपका नाम ना हो, तभी आप देश के लिए एक MLA कह लें, प्रेसिडेंट कह लें या फिर प्राइम मिनिस्टर जो भी कह ले, आप ये सब नियुक्त किए जाएंगे। तो उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, कुछ नियम होते हैं, और लोग चुनाव में खड़े होने के लिए, जैसे आप सभी को पता है इलेक्शन जब आता है तो लोग चुनाव में खड़े होने के लिए अपनी अपनी वो भरते फॉर्म भरते हैं, फिर उसमें सिलेक्शन होता है अंदर जाकर कि किस किस तरीके से लोग आपको सिलेक्ट करेंगे, आपका नाम आएगा लिस्ट में, तब आप चुनाव पद के लिए खड़े हो सकते हैं। अपने आप का प्रचार करना पड़ता है और क्या अच्छा आप देश को के लिए कर सकते हैं, कितना अच्छा सोच सकते हैं, और क्या क्या आपकी मतलब आप व्यूवर्स के लिए, अपनी जनता के लिए कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और हमें देश के हित में होकर सोचनी चाहिए हर चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, तब जाकर किसी भी चीज़ का सिलेक्शन होता है, ओके। फिर जैसे आगे दिया MLA टू मिनिस्टर्स टू CM मिनिस्टर की, जो किस तरीके से CM वगैरह का भी जब इलेक्शन होता है तो उसके लिए भी कुछ टर्म्स और कंडीशन बनाई गई है कि उसमें क्या क्वालिफिकेशन हो, क्या एज ग्रुप हो, कितनी सीटें होती हैं, कितने मतलब कि अंदर जाकर जैसे विधानसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट हाउस के बारे में आपने सुना होगा कि कितनी वहाँ पे सीटों की ज़रूरत होती है, नहीं सीट कितनी कितनी आपको मतलब सीटें अंदर चलती हैं कि इतने वोटों से, जैसे आपने सुना होगा कि इतने वोटों से जीतना है, इतने वोटों से हार गए, तो ये सब चीज़ें अंदर से पहले से डिसाइडेड होती है। जैसे आपका ये देखिए चार्ट बना हुआ है, चार्ट को देखिए, इसे पढ़िएगा अच्छे से, ओके। फिर आपका इधर देखिए दिया गया है द चीफ मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्या है, द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड इज एडवाइस टू मेक द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर्स लाइक अ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्ट्रीज, कैबिनेट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर। ये सब देखिए आपके जो अंदर पार्लियामेंट हाउस में ऐसा इसमें बताया गया है कि द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल मिनिस्टर के बारे में बात की गई है कि कैबिनेट मंत्री है, उनके अपने कार्य हैं, उनके अपने दिया गया है वो किसकी हदों में रह के, किस लिमिटेशन में रह के उन्हें उनके कार्यों को करना है, ओके। फिर दिया गया जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर, इनकी क्या ड्यूटीज़, क्या क्या कार्य, क्या क्या चीज़ें हैं, इस तरीके का इस सारे हेडिंग्स में दिया गया है। आप जब डिटेलिंग में जाकर के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर इधर है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर की क्या क्या जिम्मेवारियाँ होती हैं ये इसमें दिया गया। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड ही और शी द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। जो इसमें कोई भी इशू नहीं है, कोई भी लेडीज़ या जेंट्स कह ले, कोई भी इसमें इलेक्शन में खड़ा होता है, जैसा कि आपने देखा है कभी हमारी CM अभी आज से कुछ साल पहले हमारी देश की जो
का उत्तर प्रदेश की हमारे सीएम थी वो कौन थी? मायावती थी। अब इस समय कौन है? योगी है। या तो इस तरीके से इसमें कोई वो बाउंडेशन नहीं है कि मेंस ही रन करेंगे, इसे कोई भी रन कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ पावर्स दी जाती हैं जिसका हमें मिसयूज़ नहीं करना होता है, वरना इस पद से हम लोग को नेक्स्ट टाइम के लिए हटा भी दिया जा सकता है। कुछ रूल्स, कुछ दायरे बनाए जाते हैं उसके अंडर में रह कर के, और इन जिम्मेदारियों को निभाना होता है। तो जैसे कि ये आपका दिया हेडिंग, देखिए ये आपका ये चार्ट बना के दिया है किस तरीके से, इसे आप अपनी फेयर कॉपीज़ में भी बनाइएगा, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द अदर मिनिस्टर, और जो अदर मिनिस्टर अंदर अंदर नियुक्त किए जाते हैं मैनी पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी बहुत सारे इसमें कैटेगरीज होती हैं, बहुत सारे पद नियुक्त किए जाते हैं कि किस किस तरीके से उन्हें कौन कौन सी ड्यूटीज़ देनी है, किसके क्या क्या कार्य होंगे, कौन किसके अंडर में रह के क्या क्या करेगा, ये सब सिलेक्ट किया जाता है। और सबके अपनी अपनी ड्यूटीज़ दी जाती है जिसे करना होता है, जैसे कि फिर अंदर डिबेट भी होता है, जैसे कि कोई बड़ा टॉपिक उठाया जाता है तो आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा सभी के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, हर किसी को राइट दिया गया है कि अपने मतों को आगे रखें, क्या जनता के लिए वो करना चाहते हैं, क्या जनता के लिए सोचते हैं, क्या और नया आना चाहिए, क्या नई स्कीम बनाई जाए, क्या नई योजनाएँ चलाई जाएँ, ये संसद भवन के अंदर बैठ के डिबेट होती है, जहाँ काउंसलिंग चलती है, सभी पार्टी के लोग होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं समाजवादी पार्टी, भाजपा, सपा, इस तरीके की काफ़ी पार्टीज़ होती हैं जिसमें सभी पार्टीज़ आती हैं, सभी पार्टीज़ को अपने अपने व्यूज़ देने का राइट होता है, सभी पार्टीज़ को अपने अपने मत देने का हक होता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में एक गवर्नमेंट और उनके कार्यों के बारे में बताया गया है कि क्या क्या वो कैसे कैसे करते हैं, और इसे करने के लिए किसको कैसे कैसी ड्यूटीज़ मिलती है, उसके क्या क्या टर्म्स और कंडीशन है, क्या क्या इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो इस चैप्टर को आप डिटेलिंग में जाके पूरा पढ़िएगा, ये आपका होमवर्क होगा। बाय।